वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल एंड आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जेनेटिक कोड्स के बारे में। जो जेनेटिक कोड का कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ये सभी होते क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है, वो आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए मुझे कि आपको चैनल कैसा लगा है, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर जेनेटिक कोड्स, हम जानेंगे कि जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है जेनेटिक कोड्स का, किसका, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोन्स, ठीक है, उसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था फ्रांसिस क्रिक ने और उनके कोलीग्स ने 1961 में। किसने, फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, जो जेनेटिक कोड्स क्या हैं वो हम कह सकते हैं ग्रुप हैं, किसका, थ्री लेटर्स का। किसका ग्रुप है, थ्री लेटर्स का, या सेट है थ्री लेटर्स का, जिनके कॉम्बिनेशन से क्या, या फिर हम कह सकते हैं थ्री लेटर किसके हैं, वे न्यूक्लियोटाइड्स के, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, कोडोन कह रहे हैं। ईच ऑफ विच कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड और स्टॉप सिग्नल, जिनमें से हर एक किसके लिए को कोड कर रहा है, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए या फिर हम जिसको कह सकते हैं स्टॉप सिग्नल के लिए, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ मैं आपको। जब भी एक प्रोटीन बनना होता है, ठीक है, क्या बनना है, प्रोटीन बनना है, तो प्रोटीन से पहले हमें क्या चाहिए होगा, एक पेप्टाइड सीक्वेंस चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी, प्रोटीन किससे मिलके बनता है, पेप्टाइड सीक्वेंस का। और ये जो पेप्टाइड सीक्वेंस है वो किसकी बनी होती है, हमारी अमीनो एसिड्स की। तो ये जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है ये किससे बनेगी, क्या बनाएगी, पेप्टाइड सीक्वेंस को बनाएगी। यही पेप्टाइड सीक्वेंस फर्दर किसको जा करके बनाने वाला है, यहाँ पर प्रोटीन्स को जा करके बनाने वाला है। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो कहाँ पर जाएगी, ठीक है, ये डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ओके, तो देखिए ये प्रोटीन बन गई है हमारी, ठीक है। तो ये प्रोटीन तक आने के लिए, ठीक है, प्रोटीन कैसे बनेगी, जो आरएनए होगा ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या लगा होगा, राइबोसोम लगा होगा, यहाँ पर एमआरएनए होगा, यहाँ पर टीआरएनए होगा। तो ये एमआरएनए क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, और इधर से क्या होती रहेगी, हमारी न्यू प्रोटीन की सीक्वेंस बनती रहेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल। देर आर 64 कोडोन्स, कितने हैं यहाँ पर, 64 कोडोन्स हैं, जिनमें से थ्री, ठीक है, यानी कि 64 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 61 बचे अभी। जो ये थ्री हैं ये किसके लिए कोड कर रहे हैं, एज अ नोन एज अ स्टॉप कोडोन, किसके लिए वर्क करते हैं, स्टॉप कोडोन, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जब एमआरएनए में ये कोड आ गए हैं, कौन से, स्टॉप कोडोन्स आ गए हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, थ्री कोडोन्स को स्टॉप कोडोन्स होते हैं। थ्री डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ये तीन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, कॉल्ड स्टॉप और टर्मिनेशन कोडोन, इन्हें स्टॉप या टर्मिनेशन कोडोन कहते हैं। इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। इसी से अलग इनिशिएशन कोडोन भी होते हैं, जो इनिशिएशन कोड होता है वो नॉर्मली क्या होता है, AUG, याद रखना है यहाँ पर क्या है, AUG जो कोड करता है किसके लिए, मेथियोनिन के लिए। लेकिन कुछ एमआरएनए में कुछ और कोड्स भी होते हैं, जैसे कि GUG एंड UUG, जो कैसे एक्ट कर रहे हैं, एज अ इनिशिएशन कोडोन, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होना है उसके लिए क्या, उसको इनिशिएट करने के लिए ये वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जेनेटिक कोड्स की। जेनेटिक कोड्स की जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, ये अनएम्बिगुअस होता है, इसमें कोई पंक्चुएशन यूज़ नहीं होती है, डी जेनरेट होते हैं, नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एंड यूनिवर्सल होते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, ईच ट्रिपलेट स्पेसिफाइज ओनली सिंगल अमीनो एसिड, यानी कि एक जो ट्रिपलेट है तीन न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस का बना होगा, AUG UGC, तो एक पर्टिकुलर ये किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। सपोज AUG मैथ्यूनिन के लिए करता है,
AUG सीरीन के लिए कोड नहीं करेगा। नेक्स्ट जो आता है फीचर वो होता है हमारा नो पंक्चुएशन। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर और हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। नो पंक्चुएशन का मतलब क्या होगा? नो इंटरनल पंक्चुएशन इज यूज इन द कोडोन। पंक्चुएशंस क्या होता है? कोमा, फुल स्टॉप, ओके, ये सब चीज़ें पंक्चुएशंस में आती है। सपोज हमने यहाँ पर लिखा है AUG, ठीक है, CGU, ठीक है, तो क्या होगा? कोई भी कोमा हमें इसमें यूज़ नहीं करना होता इनके बीच में, ठीक है। हमें कैसे लिखना होता है? बिना कोमा के। कैसे लिखना होता है? बिना कोमा के, क्योंकि ये हमें पता ही है जो तीन अमीनो एसिड हैं, जो तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं वो किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रही हैं, और अगली तीन अमीनो एसिड जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड कर रही हैं, या सेम के लिए भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, एक डीजेनरेट। जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो क्या होता है? डीजेनरेट होता है। डीजेनरेट का मतलब क्या होगा? जो अमीनो एसिड है कैन बी स्पेसिफाइड बाय मोर देन वन ट्रिपलेट कोड, यानी कि एक टाइप का अमीनो एसिड एक से ज़्यादा किसके लिए, मतलब एक अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड या ट्रिपलेट कोड के कोड से क्या हो सकता है? कोड हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, सपोज ये UCU एंड UCC, या फिर हम ले लेते हैं UCA एंड UCG, ये भी ये भी सीरीन के लिए कोड करता है, ये भी सीरीन के लिए कोड करता है, ये भी सीरीन के लिए करता है, ये भी सीरीन के लिए कोड करता है। तो ये जो होंगे एक जो टाइप, मतलब जो ट्रिपलेट हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा ट्रिपलेट सेम अमीनो एसिड के लिए क्या कर सकती हैं? कोड कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है नॉन ओवरलैपिंग या नो ओवरलैपिंग। ओके, नो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा? अ न्यूक्लियोटाइड एट अ स्पेसिफिक प्लेस इन mRNA इज ओनली टेक पार्ट इन वन ट्रिपलेट, यानी कि एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड होगा स्पेसिफिक प्लेस में mRNA के, वो किस में पार्ट लेगा? एक सिंगल टाइप के अमीनो एसिड में, या एक सिंगल टाइप के ट्रिपलेट में पार्ट लेगा, ठीक है, कौन? न्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस है AGCUGA, ठीक है। अब हमने रीड करना शुरू किया है, ये 5' है, ये 3' डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रीड किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा? UGA रीड होगा, फिर UGC रीड होगा, फिर UGA रीड होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने क्या रीड कर लिया है, पहले UGC रीड कर लिया है, फिर हम GCU कर लें, फिर हम GCU के बाद हम क्या रीड कर लें, हम कर लें CUG कर लें। ऐसा नहीं होगा, एक बार जो एक अमीनो एसिड रीड हो चुका है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रीड हो चुका है वो एक में ही होगा, ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल। सेम कोड यूज होता है थ्रू आउट द ओल लाइफ फॉर्म। जैसे कि सपोज AUG का एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। AUG किसके लिए कोड कर रहा था? मैथ्यूनिन के लिए कोड कर रहा था। तो जो मैथ्यूनिन है हमारा, वो चाहे एक प्लांट की बात करें हम, चाहे एक ह्यूमन की बात करें हम, या चाहे हम एक एनिमल की बात करें, सभी में क्या होगा? सभी में ही AUG ही किसके लिए कोड करेगा? मैथ्यूनिन के लिए कोड करेगा, वो किसी और चीज़ के लिए कोड नहीं करेगा। लेकिन इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सेलेनोसिस्टीन कोड करता है, कोड होता है किससे? UGA से, और प्रो लाइसिन कोड होता है UAG के लिए, और UGA एंड UAG क्या हैं? दोनों ही क्या हैं? स्टॉप कोडोन्स हैं। क्या हैं ये दोनों ही? स्टॉप कोडोन्स हैं। लेकिन अगर मैं सेलेनोसिस्टीन और प्रो लाइसिन की बात करूं, तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं, पहले कितने टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड थे? 20 थे, तो ये दो क्या ऐड हुए हैं? बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है। तो दो ऐड होने के बाद ये कितने हो गए हैं? टोटल 22 अमीनो एसिड हो गए हैं। तो इसलिए पहले बोलते थे कि जो ये अमीनो एसिड है, या फिर हम कह सकते हैं जेनेटिक कोड हैं, ये कैसे हैं हमारे? यस, यूनिवर्सल हैं। बट ये दोनों क्या हो गए हैं? एक्सेप्शन हो गए हैं इस बात का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे जेनेटिक कोड हैं ये हम बनाते कैसे हैं, कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें जो याद रखने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा UCAG।
क्या है, UCAG। अभी जो रीड होंगे फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएंगे, 5 प्राइम वाले आएंगे, सेकंड पोजीशन बीच वाली होती है, और फिर कौन सा था, 3 प्राइम वाला। बीच के जो भी होंगे वो रीड होंगे 5 प्राइम सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन हमारी क्या है, 3 प्राइम एंड। तो ये देखिए इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। या मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ यहाँ पर एक। पहले क्या होगा, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, तो आपका क्या आ जाएगा, यू यू यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप जब लिखेंगे तो इधर यू है, इधर यू है, तो यू यू, यहाँ पर क्या है, सी, तो इसके आगे क्या लिख देंगे, सी। फिर आप क्या लिखेंगे, जैसे कि मेंडल्स का थर्ड लॉ आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेम तरीके से आप क्या करेंगे, ये बनाते हैं, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जीन्स का। देन फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर यू है, यू है, यू यू, और फिर क्या है, ए, तो ए। फिर यहाँ पर इधर यू था, मैं इसको इरेज करती हूँ जिससे आपको फिर से दिखे, ये यहाँ पर यू था, यहाँ पर यू था, यू यू, लास्ट में क्या है, जी, ठीक है। ऐसे ही करके आपको क्या करना है, सारे कोड्स लिखने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में आपको इनको लिखना सिखाऊं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, कि ये जो अमीनो एसिड सिक्वेंस बनी है अभी हमारे पास, ठीक है, जैसे यू 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 क्या है, एक अमीनो एसिड के लिए बनाएगा, यू यू सी एक अमीनो एसिड बनाएगा, यू यू ए, क्योंकि ट्रिपलेट में होता है हमेशा जेनेटिक कोड, तो ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे यू 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 किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइलएलानिन एलानिन के लिए कर रहा है, एल ई यू ल्यूसीन के लिए करता है, ठीक है। ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, ल्यूसीन के लिए कर रही हैं ये किस, फिर हमारी ये चारों किसके लिए करते हैं, ये देखिए चारों नहीं, ये ए यू जी तो मैथ्यूनिन के लिए कर रहा है, और ये यू ए यू 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 ए यू सी एंड ए यू ए किसके लिए कर रहे हैं, आइसोल्यूसीन के लिए। ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, वेलेनाइन के लिए। ये चारों सीरीन के लिए, ये सब प्रोलिन के लिए, और ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, थ्रियोनिन के लिए। ये चारों एलेनाइन के लिए, ये वाला, ये दो किसके लिए कर रहे हैं, टायरोसिन के लिए। ये दोनों स्टॉप कोडोन्स हैं, ये दोनों हिस्टिडीन के लिए, ये ग्लाइसिन के लिए, ये किसके लिए कर रहे हैं, ASN किसका होता है, एस्परजिन का, किसका होता है, एस्परजिन के। ये दोनों लाइसिन के लिए, ये फिर एस्परजिन के लिए, ये किसके लिए हो रहे हैं, GLU किसका होता है, ग्लूटामिक एसिड, ये सिस्टीन के लिए। ये UGA क्या है, और UGA क्या होता है, हमारा स्टॉप कोडोन होता है, एंड UGG हमारा ट्रिप्टोफैन के लिए। फिर ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, ARG के लिए। ये दोनों किसके लिए, सरीन के लिए। ये वाले ARG किसके लिए होता है, अभी मैंने बताया था, आर्जिनिन के लिए, ओके। एंड देन ये चारों किसके लिए कर रहे हैं, ग्लाइसिन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें बस याद रखने का क्या है, आपको ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, कौन सी सीक्वेंस, ये GCAG, ठीक है, क्या, सॉरी UCAG, ठीक है, इधर भी UCAG, इधर भी UCAG, इधर भी UCAG, बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको किसके बारे में बताया, जेनेटिक कोड्स के बारे में बताया। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।